अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दिस इज़ द वैली व्लॉग्स और आप बिल्कुल देख सकते हो इस वक्त जो है हम दूध पथरी में, और कल अच्छी तरह हमने आराम किया और कल हम लेट यहाँ पे पहुँचे थे और हमने पूरी तरह जो है ये टेंट वगैरह जो है सेटअप किया था। और ये बिल्कुल देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारा टेंट लगा हुआ है। ये हमारा ही नहीं बल्कि यहाँ पे पूरे जो है आसपास जो आप देख सकते हो बहुत सारे टेंट जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। और अभी जो है जस्ट हम अब मुँह धो के आए हैं और बिल्कुल जो है हम चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चाय का आनंद जो है काफी ज्यादा है। फिर दोस्तों बस क्रेडिट गसन चाय बना, फिर दोस्तों जबरदस्त चाय बना है। करेक्ट चाय, मगर आज की अच्छे में आपको ड्रॉबैक छे में सर ये चीज बिस्किट अब खेवा ये पानस अगर आपको दी है इसकी गसन खुश। थैंक यू गौ से साहब कि यहाँ पे जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है इनकम जो है यहाँ पे जनरेट होती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो है काफी ज्यादा फ्लो है और फ्लो होने के साथ साथ जो है इनकम भी जनरेट होती है। हालांकि यहाँ पे जो है जब आप यहाँ अंदर आते हो एंट्री होती है आपकी, तो पहले चेक पोस्ट पे जो है आपको नियरली अबाउट 50 रुपीज पे करने पड़ती है, और आफ्टर दैट जब आप यहाँ पहुँचते हो तो यहाँ पे आपको कम से कम 100 रुपया जो है आपको पे करना पड़ता है। तो 100 रुपया 150 रुपया आप पे करते हो, और पे करने के बाद जो है आप जब एंटर होते हो यहाँ पे, तो ये बिल्कुल आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या चीज है, और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो रोड है बिल्कुल रोड देख सकते खस्ता है, पूरी तरह खस्ता है, और साथ साथ में जो है लोग भी अनअवेयर हैं, और जैसे कि आपको मैंने दिखाया यहाँ पे, और लोगों ने ऐसे ही ओपन स्पेस में जो है ओपन स्पेस में जो कुछ खाया पिया है और जो वेस्ट मटीरियल होता है, चाहे गिलास हो, चाहे प्लास्टिक गिलास हो, चाहे प्लास्टिक बॉटल्स हो, या कुछ भी हो खाने पीने का सामान जो है एक्स्ट्रा जो बचता है वो यहाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही पूरे मैदान में जो है खुला पड़ चुका है। तो इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे, इस पे लोग भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं करना चाहिए गंद पूरे ओपन स्पेस में डाला चाहिए। इससे लिफाफा यूज करो, पॉलिथीन यूज करो, उसमें डालो, फिर कोई डंप करो, या कहीं देखो आपको डस्टबिन कहीं मिलेगा, तो वैसे भी डस्टबिन यहाँ कहीं पर नहीं है, तो अगर डस्टबिन मिलेगा डस्टबिन में डंप करो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आप वीडियो में बने रहे तो देखिए आगे क्या होता है, क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे। हालांकि आपने रोड जो है वो हर एक ने देखा है, रोड कैसा है, क्या है, कहाँ से आते हैं, तो वह हम दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हम ये आपको दिखाने की कोशिश, हकीकत क्या है यहाँ की। तो बिल्कुल हम आगे जाएंगे, अभी जो है हम खाना पका रहे हैं, और खाना पकने के बाद जो है हम ये खाना खा के और आगे बढ़ेंगे, और आपको भी दिखाएंगे, आपको आपसे भी शेयर करेंगे क्या होने वाला है। और खाना जो है हमारे हमारा जो खाना है ये पकने वाला है, तो इसको हम चेक करेंगे। हाँ बढ़िया ठीक है, खाना जो हमारा वो पक चुका है, अभी जो है हम सालम बनाने जा रहे हैं, ये आप देख सकते हो। गाड़ी करो छुट्टी क्या क्रीटा क्रीटा अगर क्रीटा अगर मुलाजिम लग सकता क्या ना क्या ना महिंद्रा 80 7 ग्राम بشوف کوتاہ بتا کھی اکس آز بت کھمو یوتا یٹ گس یوتا یٹ گس ژ کر کام یار ان شاء اللہ وچھو بت کر کام یوت یوت کر بت کام کیاز لا یٹ یٹ پتھر نہ یٹ چھن پتھر کی مل گئی زلا تھن سے کیچ سوچ مگر اس کیا زبردست ہے ٹھیک ہے یار سر سبز وادی منز پہاڑن منز کھو اس توہ ٹھول توج کھو ٹھول کیا ہوا ٹھیک بڑھیا ایمس پکا اس وچھنے ان کیا کرن ٹھول مشک چھا اس کھسا سر چیز ایریا اس کھسا ٹھول مشک ہمن تے ٹھول مشک ان کے لے وچھنے ہم فردوس بیا ٹھول پراواز نا پراواز بیا ٹھول راہ کرا ہیں راہ کو شاباش قطر حساب سے قطر آ
اخ پیدا ہیک بچا کر یم مطلب یم سائیڈ چلاو اخر تک او 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 نو تیل رال گڈ زبردست مگر مز بگ کیا جس کر زبردست زبردست بڑھیا مجھے یہ احساس آ رہا ہوں یہ اس میں ڈالنا تھا آج اچھو سن کیا گئے ٹھیک ہاں بالکل بالکل بڑھیا تو بڑھیا تیل گھس کم آسن مسال تقریباً مسال تھا بچے پت لگان ضرورت چلا دمے کورمت کیا ٹماٹر مجھے چھ سمجھ یوت کیا کورمت یہ نیٹ چلان تمہن کس غلطی کر ٹماٹر ٹماٹر کر غلطی گنڈو کر غلطی دلیل رات بت تیار سنچ تیار دمبل کیا تو گھر پہ یاد گنڈ گھنا بوجھ خاندانی کیا یوت یوت کھال ہٹ ہاں گائز یہ دیکھو یہ فائنل رزلٹ ہے ہمارا یہ فائنل ہی ہوتا ہے یار یہ کیا جائے کیا شاباش یور سیلڈ گا تیار ہے اور امہ پہ کھمو بت اینڈ وی ول موو ٹوڈز دا آپ کیا ونان یوکن گھن یہ ونان تس ونان تو برو کن اہس پکن شالی گنگا صاحب کت مزہ بتس پہ تیار کر مزہ